नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की आपत्ति पर बरसे सीएम मोहन यादव, किसी की आपत्ति से अखंड भारत का सपना खत्म नहीं। हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा। सिंध से जो विस्थापित लोग आए, उसके पहले अखंड भारत ही था। कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन, कलेक्टर आशीष सिंह दिव्यांगजनों से मिले। दल मंजिल पहुंचकर दिव्यांगजनों से की उनकी शिकायत जानी, संबंधित अधिकारियों को दिए समस्या के समाधान के निर्देश। गिट्टी क्रेशर लगने से किसानों को आपत्ति, पंचायत की मंजूरी पर जताई नाराजगी। जनसुनवाई में कलेक्टर से की शिकायत, क्रेशर लगाने से खेतों में आएंगे पत्थर। 4 पुलिस आरक्षकों के खिलाफ शिकायत, झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप। धमकी देते हुए पैसों की कर रहे मांग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां पाकिस्तान की आपत्ति पर बरसे सीएम मोहन यादव, किसी की आपत्ति से अखंड भारत का सपना खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल रहा है। सिंध से जो विस्थापित लोग आए हैं, उसके पहले अखंड भारत ही था। दूसरी खबर आ रही है इंदौर से, जहां कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन हुआ है। कलेक्टर आशीष सिंह दिव्यांगजनों से मिले। दल मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने दिव्यांगजनों की शिकायत जानी, संबंधित अधिकारियों को उन्होंने समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए। तीसरी खबर आ रही है नीमच से, जहां गिट्टी क्रेशर लगने से किसानों ने आपत्ति जताई है, पंचायत की मंजूरी पर नाराजगी जताई है। जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत भी की है, क्रेशर लगाने से खेतों में पत्थर आएंगे। चौथी और आखिरी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां 4 पुलिस आरक्षकों के खिलाफ शिकायत की गई, झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। धमकी देते हुए पैसों की मांग कर रहे हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सबसे पहली खबर आ रही है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फरी दोहराया है कि किसी की आपत्ति से अखंड भारत की बात समाप्त नहीं होगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत के बयान पर आपत्ति जताई, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए भोपाल से आबिद मुमताज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, मुख्यमंत्री मोहन यादव आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया है, क्या है वो बयान बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है, उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया हेट स्पीच का संज्ञान लेना चाहिए। और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ से गुहार लगाई कि भारत में इस्लाम जो विरासत है, स्थलों को जिस तरह चरमपंथी समूह से बचाने और अल्पसंख्यकों के धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो पाकिस्तान ने कहा है कि भारत सरकार को भी मुसलमानों रहित अल्पसंख्यकों और उनके पवित्र स्थलों को सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी गारंटी देना चाहिए। तो इस बयान के बाद जो है अब राजनीति जो है यहाँ पर तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश विभाजन और राष्ट्र खंडित हो गया था, फिर से अखंड भारत की दिशा में कार्य हो सकता है। ईश्वर ने चाहा तो देश में सिर्फ पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान में शामिल होंगे। तो इस तरह का बयान आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी बयान यहाँ पर जारी किया गया है और संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा की मांग की गई है। हालांकि इस बयान पर मुख्यमंत्री ने जो है अपना पलटवार भी यहाँ पर किया है। रितिका, क्या कुछ पलटवार में कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा? देखिए रितिका, मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान चाहे लाख आपत्ति जताए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिंध से जो शरणार्थी आए, सिंध तो अखंड भारत का हिस्सा था। नानकाना साहिबा तो भारत के ही हिस्से में थे और आज हमारे राष्ट्रगान में पंजाब सिंध का जिक्र आता है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, स्वाभाविक रूप से जो हमारा अखंड भारत का सपना रहा है, किसी के आपत्ति करने से ये समाप्त नहीं होने वाला। इस तरह का पलटवार जो है खुद यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर किया है। जी आबिद, आबिद, सीएम के इस बयान के बाद कांग्रेस द्वारा क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से कांग्रेस की जो मीडिया विभाग की प्रभारी के मिश्रा, उनका बयान सामने आया है मोहन यादव जी को। उन्होंने कहा कि जो
वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर जिस तरह से जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान का जो बयान आया है वह दुखद है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये भी सच है कि मुख्यमंत्री गौर यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, राज्य संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता है, तो उनको ऐसे बयान से भी उनको बचना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री के नाते मुख्यमंत्री को जो प्रदेश की कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको संभालने का काम करना चाहिए और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह का बयान केके मिश्रा की तरफ से यहाँ पर आया है। रितिका अभी केके मिश्रा की तरफ से बयान सामने आया है, तो इस पर डॉक्टर मोहन यादव का क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? भाई देखिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया में ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री को चारों तरफ से यहाँ पर घेरना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान अखंड भारत को लेकर आया था, जिस तरह से पाकिस्तान ने फिर अपनी आपत्ति जताई, उसके बाद कांग्रेस का इस तरह का बयान आना, तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि वो मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं कि आप संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता नहीं हो, राष्ट्रीय नेता नहीं हो, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के नाते आपको मध्य प्रदेश का ये बारे में आपको बयान देना चाहिए। और इस तरह का इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकाला जा सकता है। रितिका जी, आप भी ये बयानबाजी तो है, चलती रहती है, आपको क्या लगता है किस हद तक ये बयान सही था या नहीं था? देखिए, जिस तरह से ये बयान अखंड भारत का बयान आया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो सुरक्षा की गुहार लगाई गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर पाकिस्तान का इतना बौखलाना और पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षा की गुहार लगाना, तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बयान अब जो है सुर्खियों में यहाँ पर बना हुआ है। रितिका जी, आप तो एक खबर थी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया है कि किसी की आपत्ति से अखंड भारत की बात समाप्त नहीं होगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत के बयान पर आपत्ति जताई है। दूसरी खबर आ रही है इंदौर से, जहां इंदौर में मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह तल मंजिल पर बैठे दिव्यांगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। दिव्यांग जनों ने कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में दिव्यांगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं अलग से सुनी और उनका निराकरण भी किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से भी चर्चा की, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है? मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जैसा कि पिछले काफी घना समय टेबल है की पिछले मंगलवार को जन सुनवाई होती है, उसमें दिव्यांगों की जन सुनवाई को अलग से कलेक्टर द्वारा सुना जा रहा है। प्रथम स्थल पर जो मंदिर है वहाँ पर जो दिव्यांगों की जन सुनवाई की जाती है। प्रशासन का ये कहना है कि दिव्यांगों को ऊपर पहली मंजिल पर आने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर पिछले काफी समय से इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांगों की जन सुनवाई को प्रथम स्थल मंजिल पर ही सुना जा रहा है, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। कई तरह के जो है मामले यहाँ पर कलेक्टर जन सुनवाई में देखने को मिले हैं, जिसमें तत्काल निराकरण के निर्देश जो है कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा दिए गए, दिव्यांगजनों द्वारा दिए गए। एक सबसे बड़ी जो समस्या सामने आ रही है रोजगार को लेकर थी, रोजगार को लेकर भी आशीष सिंह ने एक नई पहल की है दिव्यांगजनों के लिए। पिछले मंगलवार को भी जो जन सुनवाई थी उसमें भी रोजगार को लेकर कई दिव्यांगजन कलेक्टर आशीष सिंह से जन सुनवाई में मिले थे। इसके बाद जो है आशीष सिंह कलेक्टर ने आज मीडिया से बातचीत में उनका यही कहना था कि 30 फरवरी को ग्रामीण हाट बाजार में एक विशेष कैंप लगाया जा रहा है, ताकि दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाया जा सके। उन्हें स्वरोजगार की दिशा में एक नई पहल माना जा रहा है। पहले रोजगार को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह काफी संवेदनशील नजर आ, उन्होंने कहा कि ग्रामीण हाट बाजार में ये विशेष कैंप लगाया जाएगा, इसके द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम जो है यहाँ माना जा रहा है कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार तलाशने के लिए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए इंदौर का जिला प्रशासन आगे आया है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण हाट बाजार में जो 30 फरवरी को एक विशेष कैंप आयोजित होगा, उससे दिव्यांगजनों की रोजगार की समस्या काफी हद तक जो है उसका समाधान होगा। इसके साथ ही जो स्कूटी के जो आवेदन पत्र होते हैं, उसके अलावा जो आर्थिक सहायता जो होती है रेडक्रॉस के माध्यम से,
तरह की मदद भी जो है आज जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा दिव्यांगजनों को दी गई। इसके साथ ही जन सुनवाई जो प्रति मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, वहां पर भी कई तरह के मामले आए हैं, उसमें भी तत्काल निराकरण के निर्देश जो है आशीष सिंह द्वारा दिए गए। में कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रति मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित हुई, चाहे दिव्यांगजनों की बात की जाए या आम जन की बात की जाए, दोनों ही जन सुनवाई में जो है कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सभी मामलों को बड़े एक बारीकी से जांचा जा रहा है, बारीकी से देखा जा रहा है, उनकी जो भी समस्या को उनकी पूरी समस्याओं को सुनने के बाद जो है संबंधित विभाग को उन समस्याओं के निराकरण के निर्देश जो है आशीष सिंह द्वारा दिए जा रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं आम जनता की जो भी समस्याएं आ रही है, वे दर दर की जो ठोकरे खाते हैं, काफी समस्याओं से परेशान होकर जब कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान भी देखने को मिल रहा है। इसमें आशीष सिंह जो कि इंदौर की जिला कलेक्टर काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं इस जन सुनवाई में, उन्होंने बाकी अधिकारियों को भी इसी तरह से संवेदनशील होने के लिए निर्देशित किया है। इससे पहले भी जो लेट पहुंचने वाले अधिकारियों पर भी उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात भी कही थी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जन सुनवाई एक ऐसा माध्यम है जिससे आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाना सुनिश्चित है। पर ऐसे में आशीष सिंह जो है काफी संवेदनशील नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन सुनवाई के माध्यम से जो है आम जनता के साथ ही दिव्यांगजनों की जो सहायता की जा सकती है, उस सहायता को जो है आशीष सिंह द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में रोजगार को लेकर जिस तरह से उनके द्वारा पहल की जा रही है, वो भी काफी सारी देखा जी। अशरफ, कितने दिव्यांगजन अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे जन सुनवाई में और क्या क्या समस्याएं थी उनकी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों की बात जिस तरह से जन सुनवाई का आयोजन होता है पर और जन सुनवाई में भी सैकड़ों की संख्या में लोग जो है आवेदन पहुंचे थे, उसमें कोई जमीन के मामले भी थे, धोखाधड़ी के मामले भी थे। सभी मामलों को जो है बारीकी से आशीष सिंह द्वारा सुना जाता है, तमाम जो है आवेदनों की जांच की जाती है, संबंधित अधिकारियों को वहां पर बुलाया जाता है, उन अधिकारियों को इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करने के लिए निर्देशित किया जाता है, साथ ही जो भी समस्या होती है उनका तत्काल निराकरण के निर्देश जो है कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा दिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है की जो भी जन सुनवाई में आ रहा है उनको जो भी समस्याएं रहती है उन समस्याओं को आशीष सिंह द्वारा सुना जा रहा है, उसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को जिला कलेक्टर के द्वारा दिए जा रहे हैं। आज भी ऐसे कई मामले कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे थे जिनका निराकरण करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। जी अशरफ, समस्या के निराकरण को लेकर कलेक्टर द्वारा क्या कुछ किया गया, मतलब तुरंत निराकरण किया गया, तो किस तरह से अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया? बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में जिस तरह से आवेदनकर्ता आज पहुंचे थे, सभी आवेदनों की बारीकी से जो है जिला प्रशासन द्वारा जांच की जाती है, उन समस्याओं को सुना जाता है पूरी बारीकी से, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जो संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी जिला प्रशासन के साथ साथ जो भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं और जिस विभाग से वो पूरा मामला संबंधित रहता है, उन संबंधित अधिकारियों को वहां पर बुलाया जाता है और तत्काल निराकरण के निर्देश जो है आशीष सिंह द्वारा दिए जाते हैं। इसके साथ ही आज जो है कलेक्टर आशीष सिंह ने नई पहल करते हुए मीडिया से बात की, उनका ये कहना था कि अगले मंगलवार से जो पेंशन के जो मामले रहते हैं, वृद्धावस्था में जो पेंशन से संबंधित मामले जो जन सुनवाई में आते हैं, तो ऐसे में नगर निगम के कुछ अधिकारी या उनका एक स्टाफ भी जिला प्रशासन द्वारा जो जन सुनवाई की जाती है प्रशासनिक संकुल में, वहां पर उनका एक दल भी रहेगा और तत्काल जो है वृद्धावस्था की जो पेंशन की जो भी समस्या है बुजुर्गों के द्वारा जन सुनवाई में आती है, उनका तत्काल वहां पर निराकरण किया जाता है। ताकि अमूमन अभी तक देखने में ये आता है कि जो भी वृद्धावस्था पेंशन के जो भी मामले रहते हैं वो जोनल कार्यालय पर वृद्धों को वहां पर जाना पड़ता है और वहीं पर उनकी समस्या का समाधान होता है, लेकिन जन सुनवाई में पिछले काफी समय से देखने में आ रहा है कि काफी मामले पेंशन को लेकर भी आ रहे हैं, काफी वृद्ध वहां पर पहुंचते हैं और अपनी समस्या जो है जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्या को बयां करते हैं और पेंशन को लेकर जिस तरह की आवेदन लगातार आ रहे हैं, ऐसे में कलेक्टर द्वारा अगले मंगलवार से एक नई शुरुआत भी की जा रही है, जिससे नगर निगम के कुछ अधिकारी या एक स्टाफ जो है नगर निगम का ये जन सुनवाई में जिला प्रशासन के वहां पर बैठेगा और जो भी पेंशन की समस्याएं रहेगी उनका वहीं पर तत्काल निराकरण किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ना कहीं वृद्धों के लिए भी वृद्धजनों के लिए भी कलेक्टर आशीष सिंह ने एक नई पहल की शुरुआत की है, उन्हें जनरल कार्यालय पर भटकना नहीं पड़ेगा अपनी समस्याओं को लेकर, वे कलेक्टर जन सुनवाई में आएंगे, वहीं पर उनकी पेंशन की जो भी समस्या आ रही है उस पेंशन की समस्या का वहीं के वहीं निराकरण हो जाएगा।
जी अशरफ, अशरफ वहीं आपने बताया था कि उन्होंने दिव्यांगों को स्वरोजगार से रोजगार की दिशा में भी जोड़ने के लिए 20 फरवरी को आयोजन को लेकर कुछ आपने बताया था, बताइए विस्तार से क्या कुछ है ये जानकारी। बिल्कुल, जब से कलेक्टर राजीव सिंह ने इंदौर में पदभार ग्रहण किया उसके बाद 3 से 4 बार जिस तरह की प्रति मंगलवार को जन सुनवाई हुई है उसमें ज्यादातर यही देखने में आ रहा था कि दिव्यांगजन जो अपने आर्थिक रूप से जो उनकी परेशानी है वो जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर के सामने बयां कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि किसी तरह से उनको जो है स्वरोजगार की दिशा में जिला प्रशासन ने कोई नई पहल करी है, जिसका कोई काम करे जिससे कि दिव्यांगजनों को भी रोजगार मिल सके और वो अपनी आजीविका आसानी से चला सके। समान तरह की जो परेशानियां आ रही है उसके सामने अपनी आजीविका चलाने के लिए उन परेशानियों को उन्होंने कलेक्टर के समक्ष बयां किया था। इसके बाद कलेक्टर द्वारा पिछली जन सुनवाई में भी स्वरोजगार की दिशा में उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही थी और आज मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने यही कहा कि दिव्यांगजनों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनके लिए 20 फरवरी को ग्रामीण इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में एक विशेष कैंप आयोजित कर रहा है। इस विशेष कैंप में कई तरह की कंपनियां आएगी, प्लेसमेंट मिलेगा उनको, दिव्यांगजनों को जो भी शिक्षित वर्ग है या अन्य किसी तरह की एक तरह से उनको रोजगार उपलब्ध हो सके इसके लिए जिला प्रशासन जिस तरह से लगातार काम कर रहा था उस दिशा में एक बड़ी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास कहा जाएगा कि दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने के लिए इंदौर का जिला प्रशासन खासकर कलेक्टर आशीष सिंह ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा की उनकी सोच थी कि दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए इंदौर का जिला प्रशासन कुछ काम करे, इसी दिशा में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 3 फरवरी को ग्रामीण हाट बाजार में जिस तरह से विशेष कैंप आयोजित होगा तो कहीं ना कहीं दिव्यांगजन जिनके सामने अपनी आजीविका चलाने के लिए परेशानी आ रही थी और उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस तरह का विशेष कैंप आयोजित होगा, कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों को जो है आर्थिक रूप से जिस तरह की परेशानी आ रही थी उन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए बड़ा प्रयास जो है जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसका अशरफ, कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधाओं को देखते हुए इतने पहल किए जा रहे हैं, इस पर दिव्यांगजनों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जैसा कि हम अमूमन जन सुनवाईयों को कवरेज भी कर रहे हैं उनमें जिस तरह से दिव्यांगजनों की समस्याएं लेकर आते हैं और उनका तत्काल निराकरण हो जाता है तो ऐसे में दिव्यांगजनों की तरफ से भी काफी जाहिर की जाती है और कहीं ना कहीं उन्होंने इंदौर की जो जिला कलेक्टर है आशीष सिंह के प्रति अपना आभार भी जताया। पिछले जन सुनवाई में भी हमने देखा कि जब दिव्यांग महिला क्रिकेटर आए थे और उनका ये कहना था कि उनको प्रैक्टिस करने के लिए किट नहीं मिल पाती और किसी से किट मांगकर जो है उनको प्रशिक्षण करना पड़ता है, तो ऐसा ना कि प्रशिक्षण किट नहीं होने की वजह से उनको प्रशिक्षण हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष जो है गुहार लगाई थी कि उनको जो है क्रिकेट में प्रशिक्षण हासिल करने के लिए किट की उपलब्धता की जाए। तत्काल जो है आशीष सिंह ने उनकी समस्या का निराकरण किया और 24 घंटे के अंदर 13 महिला क्रिकेटरों को क्रिकेट की प्रदान की। ऐसे में कि उनकी खुशी जो है आत्मस्पर्श थी कि वह काफी समय से क्रिकेट की किट को लेकर परेशान हो रहे थे, लोगों से उनको जो है किट मांग कर जो है अपने क्रिकेट का प्रशिक्षण हासिल करना पड़ रहा था, तो ऐसे में जिस तरह से उनकी 24 घंटे के अंदर ही समाधान हो गया तो उनको किट मिलने के बाद उन्होंने काफी खुशी जाहिर की और कलेक्टर और जिला प्रशासन के प्रति भी अपना आभार जताया कि जिस तरह से उनकी समस्या का समाधान हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर का जिला प्रशासन और खासकर कलेक्टर आशीष सिंह इन मामलों को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं और जिस तरह के दिव्यांगजनों को लेकर उन्होंने खास संवेदनशीलता दिखाई तो कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों में भी काफी खुशी की लहर है कि इंदौर का जिला प्रशासन उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहा है। जी अशरफ, तो एक खबर थी इंदौर से, जहां इंदौर में मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह तल मंजिल पर बैठे दिव्यांगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। दिव्यांगजनों ने कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में दिव्यांगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं अलग से सुनी और उनका निराकरण भी किया। तीसरी खबर आ रही है नीमच से, जहां नीमच की जिरन तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव धोकल खेड़ी पंचायत में गिट्टी क्रेशर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर गांव वालों ने आपत्ति जताई है। गांव वालों ने के मना करने के बाद भी पंचायत की तरफ से क्रेशर लगवाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर से मामले को लेकर शिकायत की। गाँव के लोगों का कहना है कि गिट्टी क्रेशर लगेगा तो हमारे खेतों में पत्थर आएंगे, जिससे परेशानी होगी।
जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीमत से कालू राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कालू राम, गांव वालों द्वारा कितनी प्रेशर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है उनके द्वारा? ये प्रेशर जो है बिना परमिशन के लगाया गया था बालाजी कंपनी द्वारा, और सचिव ने इसमें पंचायत में और सचिव ने मिलकर इसमें फर्जी अनुमति प्रदान की इनको, उसके खिलाफ आवेदन दिया गया गांव वालों के द्वारा वहाँ कलेक्टर ऑफिस में। जी, कलेक्टर को शिकायत भी की गई, क्या कुछ कहना है कलेक्टर का, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? अब वहाँ पे आवेदन दिया गया था, उनको आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस कलेक्टर को बंद किया जाएगा, ऐसा आश्वासन देके गांव वालों को भेजा गया। इस आश्वासन को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना रहा? ग्रामीणों ने जताया है, खुशी जताई है कि कम से कम कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है तो ये काम जरूर पूरा होगा। जी, आपको क्या लगता है कि गांव वालों द्वारा आपत्ति जताना कितना हद तक सही है? ये क्रेशर जो है सरकारी जमीन में लगाया गया है, इस तरह से ये आपत्ति उनकी एक तरह से सही भी है। जी, तो ये खबर थी नीमच से, जहां नीमच की ज्वीरन तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव व धोकलखेड़ी पंचायत में गिट्टी क्रेशर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर गांव वालों ने आपत्ति जताई है। गांव वालों के मना करने के बाद भी पंचायत की तरफ से क्रेशर लगवाने की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर से मामले को लेकर शिकायत की। गाँव के लोगों का कहना है कि गिट्टी क्रेशर लगेगा तो हमारे खेतों में पत्थर आएंगे, जिससे परेशानी होगी। चौथी और आखिरी खबर आ रही है जबलपुर से, जहां जबलपुर के बलखेड़ा थाना क्षेत्र गुदराई में रहने वाले युवक ने थाने में पदस्थ चार पुलिस कर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जहां एसपी कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए रुपए की मांग की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए जबलपुर से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, चार पुलिस आरक्षकों के खिलाफ शिकायत की गई है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं शिकायतकर्ता पे? क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? राजेंद्र, मेरा प्रश्न था कि चार पुलिस आरक्षकों के खिलाफ शिकायत की गई है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं शिकायतकर्ता द्वारा? बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है बेलखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर चार पुलिस कर्मियों के ऊपर गंभीर जो है वो आरोप एक युवक के द्वारा लगाए गए हैं। जहाँ युवक जो है वो बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के गुंडरी का रहने वाला है नेक सिंह, उसका कहना है कि चार पुलिस कर्मी जिनके आरक्षक है जिनका नाम गौरव, सुनील, आनंद और एक अन्य और आरक्षक है, इनके द्वारा जो लगातार है युवक से जो है रुपए की मांग की जा रही थी, और उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर वो उन्हें रुपए नहीं देता है तो उसके ऊपर मामला जो है वो झूठे बना दिए जाएंगे। हालांकि युवक जब एसपी कार्यालय पहुंचा उसने शिकायत भी की है और उसने कहा कि उसके ऊपर इन चार जो आरक्षक है जब उसके द्वारा जो पैसे की मांग की जा रही थी तो वो नहीं दिए गए, तो उसके ऊपर पूर्व में जो है आबकारी अधिनियम के तहत 34(2) का मामला जो है वो बना दिया गया। जिन दो युवकों को पकड़ा गया उनके साथ मारपीट करते हुए उसका नाम जबरन लिखवा के उसके ऊपर जो है मामला दर्ज करवाया गया युवक का कहना है, जबकि वह उक्त मामले में नहीं था और वो जबलपुर में था। ये सारी शिकायतें की है, साथ ही उनका कहना है कि अभी भी जो चार आरक्षक है वो रुपए की मांग करते हुए रोजाना जो है वो परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो रुपए नहीं देता है 20 से 50 हजार रुपए की मांग की जा रही है तो उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा मामला लगा के उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। ये सारी शिकायतें उसने एसपी के समक्ष की है, जहाँ पूरे मामले को देखते हुए जो है डीएसपी ने शिकायत दी थी और इस पूरे मामले को लेकर जो पाटन की डीओपी है वो पूरा मामला उनको सौंपा गया है और डीएसपी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये शिकायत जो है युवक के द्वारा जो आरक्षकों के खिलाफ दी गई है उसकी पूरी जांच की जाएगी, जांच के उपरांत अगर जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके बाद
राजेंद्र, तो जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर ये गंभीर आरोप चार पुलिसकर्मियों पे लगाए गए हैं, अगर युवक की बात जिस प्रकार से वो कह रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, रुपयों की मांग की जा रही है, तो निश्चित तौर पे अगर जांच में चारों जो पुलिस आरक्षक है अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो पुलिस का आला अधिकारियों का कहना है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस का ये भी कहना है कि अगर ये मामला झूठा पाया जाता है तो युवक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। जी राजेंद्र, इस पूरे मामले में चारों आरक्षकों का क्या कुछ कहना है? जी अभी चूंकि उनसे बात नहीं हो पाई है और जो आला अधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है कि वो चारों आरक्षकों को से भी जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और पूरा मामले की तह तक जाया जाएगा और उसके बाद ही जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी जाँच के बाद वो की जाएगी। जी जी, तो एक खबर थी जबलपुर से, जहां जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र गुंदराई में रहने वाले युवक ने थाने में पदस्थ चार पुलिस कर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जहां एसपी कार्यालय पहुंचे युवक ने बताया कि थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए रुपयों की मांग की। पूर्व में भी इन लोगों ने उसके विरुद्ध झूठा मामला बना दिया था। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए एशियन भारत।